अगली खबर की ओर। कृपाल सिंह लिब्रा फुटबॉल अकादमी ने बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तीसरी ग्रीष्मकालीन फुटबॉल लीग 2024 का आयोजन किया। जानकारी देते हुए कोच सतवीर सिंह ने बताया कि इस तीन दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में दो राज्यों की 20 टीमों के लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें एनसीआर फुटबॉल अकादमी अंबाला सिटी ने पहला, अलूना वेरियर लुधियाना ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। सिंह लिब्रा फुटबॉल अकादमी ने हासिल किया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और अमरिंदर सिंह लिब्रा ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और कप देकर सम्मानित किया। लिब्रा ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट के माध्यम से ही बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। श्री फतेहगढ़ साहिब से पारस गौतम की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़े लंबे समय तो कृपाल सिंह फुटबॉल अकैडमी बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह स्कूल के विच उन्होंने सहयोग के नाल और दशमेश स्पोर्ट्स क्लब के सारे मैंबर साहबान सर करमजीत सिंह, सर सुरजीत सिंह, इधर साडा भरा संजू असी कहने इन्हू, वैसे तो वड्डा ना, बाकी होर सारी टीम के नाल असी इत्थे फुटबॉल की अकैडमी चलाई हुई है। जिहड़ी फुटबॉल की अकैडमी चल रही है उन्होंने 3 साल तो इत्थे अंडर जूनियर का अंडर 9, अंडर 7, अंडर 11 टूर्नामेंट कराते रहते हैं और बड़ी खुशी की गल है, इतने बहुत वधिया टूर्नामेंट इतने ऑर्गेनाइज किया और मैनू माण की गल है भी सारे पंजाब तो टीम आई हैं और कई टीम जीतिया ने, कई ने हारना, जिमें इलैक्शन दी उन्होंने भी आई कुछ होंगे, बट ये नौजवान बच्चों के यही स्पिरिट पाती है भी मैनू लगता भी आने वाले समय के पंजाब की नौजवानी नशे तो दूर होकर बड़े कामयाबी के राह जा रही है।